श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कन्या की दुनिया में। बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों का 23 सितंबर और 24 सितंबर ये दो दिन कैसे रहेंगे, ग्रह नक्षत्रों की क्या चाल है, कैसे परिवर्तन हुए हैं, इसका असर आपके इन दो दिनों के दैनिक राशिफल पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इन दो दिनों में डर आपकी खुशी को जो है वो बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, आपको समझना चाहिए कि यह आपके अपने ख्यालों और कल्पनाओं से पैदा होता है, जो डर है आपकी सोच से पैदा होता है। डर सहजता को ख़त्म कर देता है, इसलिए इसे शुरुआत में ही कुचल दीजिए ताकि आप यह आपको आगे जो है कायर ना बना सके। इसलिए डर को ख़त्म करने की आवश्यकता है इन दो दिनों में, आपको यही सलाह दी जाएगी। इस राशि के जो बड़े कारोबारी हैं उनको इन दो दिनों में बहुत सोच समझकर पैसा निवेश करने की आवश्यकता है। दोस्तों, पारिवारिक सदस्यों के साथ इन दो दिनों में सुकून भरे और शांत दिन का आप लुफ्त उठा सकते हैं। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आएं तो उन्हें नज़रअंदाज करिए और उन्हें अपनी मानसिक शांति जो है भंग मत करने दीजिए। जो लोग अपने प्रिय से दूर रहते हैं उन्हें इन दो दिनों में अपने प्रेमी की याद जो है बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा याद सता सकती है। दोस्तों, इन दो दिनों में प्रेमी से घंटों फ़ोन पर आप बात कर सकते हैं। दोस्तों, वरिष्ठों से आपको पदोन्नति या लंबे वक्त से लटके किसी काम के पूरे होने का तोहफा जो है इन दो दिनों में आपको मिल सकता है। दोस्तों, जो लोग अब तक किसी काम में व्यस्त थे इन दिनों अपने लिए वो समय निकाल पाएंगे, लेकिन घर के किसी काम के आ जाने की वजह से वो घर के कामों में व्यस्त रह सकते हैं इन दो दिनों में। दोस्तों, शादीशुदा ज़िंदगी में तमाम मुश्किल दिनों के बाद इन दो दिनों में जो है आप अपने हमदम के लिए, अपने पार्टनर के लिए टाइम निकाल पाएंगे और फिर से वही पुराने गर्माहट महसूस करेंगे, प्यार महसूस करेंगे। दोस्तों, माता का स्वास्थ्य जो है उसका विशेष ख्याल रखने की आपको सलाह दी जाएगी। अपने माता का विशेष ख्याल रखिए, उन पर थोड़ा धन खर्च भी आपको करना पड़ सकता है उनके स्वास्थ्य पर, परंतु चिंता ना करें, धन इसी के लिए बचाया जाता है ताकि वो आपके पूरे वक्त में आपके काम आ सके। इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति जो है इन दो दिनों में अच्छी रहेगी। जो आप खर्चे करेंगे वो जो आपकी आर्थिक स्थिति जो है अच्छी स्थिति आपको तंगी नहीं आने देगी, इससे आपके मन में संतोष रहेगा क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी जो है वो गड़बड़ नहीं होगी। माता का ख्याल रखिए, पिता के तरफ से आपका सम्मान मिलेगा, पिता की नज़रों में जो आपकी इमेज है, प्रतिष्ठा है वो अच्छी होगी। समाज में भी आपका प्रतिष्ठा इन दो दिनों में बढ़ने वाला है, बॉस आपके काम की ऑफिस में सराहना करेंगे इन दो दिनों में। तो दोस्तों, ये रहा आपके दो दिनों का दैनिक राशिफल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जय शनिदेव लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। जय श्री राधे। ये दो दिन आपका मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छा बीते, सारे दुखे दूर हों यही कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय शनिदेव।